हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। हम लोग अभी कर रहे थे बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में हम लोगों ने प्राचीन बिहार का जो इतिहास है, हम लोग इसका जितना भी एमसीक्यू था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोग मेडिवल बिहार में घुसे, जिसमें हम लोग करने वाले हैं सल्तनत काल, है ना। और सल्तनत काल में जितने भी प्रश्न हैं उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं सल्तनत काल का। इसके पहले का जो भी वीडियो है कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपके बीपीएससी के एग्ज़ाम में। तो चलिए हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने वंशों ने शासन किया, है ना। कहता है दिल्ली सल्तनत के अधीन कितने वंशों ने शासन किया, तो ये जो हो जाएगा आंसर आपका 5 हो जाएगा, है ना। जैसे आप देखते हैं गुलाम वंश हो जाएगा, है ना। और गुलाम के बाद क्या हो जाएगा, गुलाम के बाद खिलजी हो जाता है, और खिलजी के बाद आपका तुगलक हो जाएगा, और तुगलक के बाद क्या हो जाएगा, सैयद हो जाएगा, है ना। और सैयद के बाद कौन हो जाता है, लोदी हो जाएगा। इस तरीके से ये 5 हो जाएंगे, है ना। यही सवाल आपसे कहता है कि कितने लोगों ने शासन किया था। अगला सवाल कहता है कि ममलुक या गुलाम वंश का शासक कब से कब तक रहा है और कब से कब तक माना जाता है ना। तो देखिए 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुआ, और 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक ममलुक वंश कहिए या गुलाम वंश कहिए, है ना, दोनों की बात एक ही हो जाता है। 1206 से 1209 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ, है ना। तीसरा का क्या हो जाएगा, तो जब आप क्रम याद रखेंगे तो सवाल बन ही जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा था कि गुलाम के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद सैयद आया, और सैयद के बाद लोदी आया। यही सवाल आपसे कह दिया कि गुलाम वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ। क्रम अगर याद रहेगा तो निश्चित तौर पे बन जाएगा, खिलजी वंश हो जाएगा। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा है, है ना। खिलजी वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है, है ना। 1290 से 1320 ईस्वी तक हो जाता है। खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर स्थापित हुआ, फिर वही सवाल है। कहता है खिलजी वंश के बाद किस वंश का शासन जो है, है ना, दिल्ली की सल्तनत पर स्थापित हुआ, तो क्या हो जाएगा, 5 का बी हो जाएगा, तुगलक वंश हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, तुगलक वंश हो जाएगा। फिर यही सवाल पूछता है कि तुगलक वंश का शासन कब से कब तक रहा, है ना। छठा नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक, याद रखिएगा 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक तुगलक वंश का शासन रहता है। और अगला सवाल कहता है कि तुगलक वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली सल्तनत पर रहा, है ना। तो 7 नंबर क्या हो जाएगा, यह सैयद हो जाएगा, है ना। 7 का आंसर बी है, सैयद वंश का होता है। और सवाल कहता है कि सैयद वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो 8 नंबर सवाल देखिएगा, यह 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी तक रहता है, है ना। 8 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। 9 नंबर देखिए, 9 कहता है कि सैयद वंश के बाद किस वंश का शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ, है ना। सैयद वंश के बाद कौन हो जाएगा, तो हम लोग देखे हैं लोदी वंश हो जाता है। इसका आंसर क्या है, सी हो जाएगा, है ना। 10 का लोदी वंश का शासन काल जो है, कहता है कब से कब तक रहा, तो ये देखिए 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहता है। अगला सवाल देखेंगे, निम्न में से किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था, है ना। 11 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, कहते हैं बताइए किसके साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ था। इसका आंसर बी और सी हो जाता है, यल्दोज हो जाएगा और कुबाचा हो जाएगा। इन दोनों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का संघर्ष हुआ। चलिए आगे देखा जाए, 11 नंबर सवाल है। यहाँ पे देखिए 12 नंबर से देखेंगे हम लोग। 12 नंबर सवाल है, कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना, है ना। 12 नंबर सवाल कहता है यहाँ पर कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना, तो यह इल्तुतमिश हो जाता है,
है ना। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है ना, वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इल्तुतमिश को। और यही सवाल है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब तक रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक का 13 नंबर सवाल है, क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1206 से लेकर के 1210 ईस्वी तक है ना, 1210 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। किसने बंगाल पर अपनी स्वतंत्र सत्ता की स्थापना की और बिहार के तिरहुत क्षेत्र से कर वसूलना शुरू कर दिया, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 14 नंबर बहुत भी हो जाता है ना, तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक हो जाते हैं। इसका आंसर देखिए 14 का तो आंसर सी हो जाएगा, ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा होता है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे हम लोग अगला सवाल देखते हैं। इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर बिहार एवं बंगाल दो अलग अलग सूबों को गठित किया है ना। 15 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, सवाल कहता है कि इल्तुतमिश ने किसको पराजित कर बिहार एवं बंगाल दो अलग अलग सूबों को गठित किया। तो इसका आंसर जो है 15 का डी हो जाएगा, हिसाबुद्दीन, हिसाबुद्दीन हो जाते हैं। और इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना, है ना, इल्तुतमिश के बाद कौन दिल्ली सल्तनत का शासक बना, इन्हीं ऑप्शन से हम लोगों को चुनना है। तो ये बलबन हो जाएगा, है ना, आंसर क्या है, सी हो जाएगा, बलबन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 17 नंबर सवाल है, तुगरिल के नेतृत्व में होने वाले विद्रोह को किसने कुचल दिया। 17 नंबर सवाल तो कौन हो जाएंगे, ये बलबन हो जाएंगे, आंसर ये हो जाएगा। बलबन के बाद किस वंश के शासन काल में दक्षिण बिहार सहित तिरहुत पर तुर्कों का शासन स्थापित हो चुका था। 18 नंबर क्या हो जाएगा, तुगलक के समय में हुआ था। और यह जो सवाल है आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए, 19 नंबर हम लोग सवाल देखेंगे। 19 कहता है कि सूफी संत हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी, है ना, हजरत सरफुद्दीन माहिया याहिया मनेरी की रचना से किस वंश की सत्ता एवं प्रशासन की जानकारी मिलती है। 19 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तुगलक वंश की जो सत्ता और प्रशासन है इसकी जानकारी यहाँ से मिलती है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग, 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी की है। 20 नंबर सवाल तो देखिए ये डी हो जाएगा, है ना, मल फुजात हो जाएगा और ये मनाकिबुल असफिया हो जाता है, दोनों हो जाएगा इनका, है ना, रचना जो है दोनों हो जाएगा। और ग्यासुद्दीन तुगलक ने कब कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया, और यह सवाल बीपीएससी में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर क्या हो जाएगा आंसर, 1324 हो जाएगा, है ना, 1324 हो जाता है। ग्यासुद्दीन तुगलक ने कब कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया, तो 1324 हो जाता है। देखिए बाजार व्यवस्था किस शासक ने लागू किया और बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, अक्सर पूछा जाता है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार व्यवस्था है बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। चलिए आगे देखा जाए, 23 नंबर सवाल देखेंगे हम लोग। ग्यासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीत कर क्या नाम रखा था। 23 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका नाम तुगलकपुर रखा गया, है ना, तुगलकपुर नाम रखा गया। ग्यासुद्दीन तुगलक ने मिथिला क्षेत्र को जीता और इसका नाम तुगलकपुर रख दिया। किस तुगलक शासक ने दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, है ना। 24 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो 24 का आंसर क्या है, सी हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, कौन हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाता है। अगला सवाल हम लोग 25 देखेंगे, हरि सिंह देव ने पराजित होकर किसके सहयोग से नेपाल क्षेत्र में शरण ली थी, ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे, है ना, और ये सहयोग जो मिला था ये विद्यापति से सहयोग मिला था। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, 26 नंबर सवाल है, 26 कहता है कि तुगलक वंश में बिहार की राजधानी कहाँ थी, है ना। 26 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो देखिए बिहार शरीफ हो जाता है, आंसर क्या है, सी हो जाएगा, बिहार शरीफ। फिरोज शाह तुगलक ने कब बंगाल अभियान प्रारंभ किया,
27 नंबर कब प्रारंभ किया, तो 1359 ईस्वी में हो जाता है, 1359 में हो जाएगा 27 का, है ना। 28 नंबर देखिए, फिरोज शाह तुगलक के बंगाल अभियान की जानकारी किस रचना से मिलती है, 28 नंबर, तो देखिए सीरत ए फिरोज शाही से मिलती है, आंसर क्या हो जाएगा, बी होगा, है ना, सीरत ए फिरोज शाही से मिलती है। चलिए हम लोग देखते हैं, हम आप लोग अपने सेशन का अंतिम सवाल हम लोग देखेंगे। चलिए, किस कर्नाटक शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई, है ना, कहता है किस कर्नाटक शासक ने तुर्कों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग की नीति अपनाई, तो कौन हो जाएगा, नरसिंह देव ने यह नीति अपनाई थी। किस कर्नाटक वंशीय शासक के समय तुगरिल तुगन ने मिथिला पर आक्रमण किया था, 30 नंबर सवाल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए बी और सी आंसर हो जाता है, रामसिंह देव हो जाएंगे और नरसिंह देव दोनों हो जाएंगे, आंसर क्या है, डी हो जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने सल्तनत काल का जो भी प्रश्न था, जो इम्पोर्टेंट रहा बिहार से संबंधित, उसको हम लोगों ने ख़त्म किया। उसके बाद हम लोग अफगान शक्ति का उदय करेंगे, जो बिहार में कैसे इसका प्रारंभ होता है, कैसे उदय होता है। तो चलिए आप लोग तैयारी करिए, और एग्ज़ाम 2 दिन के बाद है, आप लोग अच्छा से दीजिए एग्ज़ाम, ठीक है, मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।